अब हम जानेंगे माइक्रो रेमेडिसिन के बारे में, ठीक है। ये भी एक बायो रेमेडिसिन का ही एक तरीका है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर माइक्रो वर्ड का मतलब है कवक, ठीक है ना, फंजाई। ओके, तो जब हम किसी भी पॉल्यूटेंट एरिया को, पॉल्यूटेंट साइट को हम क्या करते हैं, अगर प्लांट्स की मदद से उसको ट्रीट करते हैं तो फाइटो, लेकिन अगर कवकों की मदद से यानी फंजाई की मदद से उनको हम साफ करें तो उसको बोलेंगे माइक्रो रेमेडिएशन, ठीक है ना। सो माइक्रो रेमेडिएशन इज अ टाइप ऑफ बायो रेमेडिएशन दैट यूज फंजाई टू डिग्रेड और ट्रांसफॉर्म इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। ओके, दूसरा क्या है यहाँ पर कि फंजाई में या कवकों में ऐसी एबिलिटी होती है, ठीक है ना, जो कई तरीके के पॉल्यूटेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, टू ब्रेक डाउन अ वाइड रेंज ऑफ पॉल्यूटेंट। जैसे वो पेट्रोलियम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वो हैवी मेटल्स भारी धातुओं को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जो पौधों में कीटों से बचाने के लिए, ठीक है ना, छिड़काव किया जाता है, उनको भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ओके, तो इन सबको बड़ी आसानी से, इनमें ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं कि ब्रेक डाउन क्या करें, कर सकें ये, ठीक है। तो हम इसी कैपेसिटी का यूज़ करते हैं। तो करना क्या होता है कि मान लो किसी इकोसिस्टम में पेट्रोलियम, मान लो पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा है, हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम देखेंगे कौन से ऐसे फंजाई हैं, कवक हैं, जो उस हाइड्रोकार्बन को आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, उनको उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशंस लगाएं, मतलब बनाएंगे कि यहाँ पर ग्रो करें। तो उस पूरे एरिया में मान लो ये कवक ग्रो करा दिए गए, ठीक है ना। तो अब वो करेंगे क्या, जैसे वो ग्रो होंगे तो वो कुछ एंजाइम्स को, ठीक है ना, सेक्रीट करेंगे। ओके, और वो एंजाइम्स क्या करेंगे कि वो जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको ब्रेक करेंगे सिंपल कंपाउंड्स में, ठीक है ना। जब वो सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो चाहो तो ये अपने जो कवक खुद ही उनको एब्जॉर्व कर लेंगे, या फिर जो दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो उनको ट्रीट कर देंगे। ओके, ये काम होता है हमारा इसका, फंजाई का। वही लिखा हुआ है, एज फंजाई ग्रो दे सिक्रीट एंजाइम दैट ब्रेक डाउन द पॉलिटेंट्स इंटू सिंपलर कंपाउंड्स, ठीक है ना। उनको सिंपल, जैसे कि मान लो हाइड्रोकार्बन को, ठीक है ना, यानी पेट्रोलियम को इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कैसे भी यूज़ करो, या फिर और भी हो सकते हैं ना, जो सिंपलर कंपाउंड में इनको कन्वर्ट करके, कि बाकी जो और भी यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, और भी छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, उस तरीके के कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देंगे कि वो आसानी से यूज़ कर पाए, ठीक है ना। और वो जो होंगे जो सिंपलर कंपाउंड्स होंगे वो आसानी से मेटाबोलाइज हो सकते हैं, किसी फंजाई खुद भी इनको मेटाबोलाइज कर सकता है, या फिर जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, वो उसको यूज़ कर ले जाएंगे। तो ये है हमारा माइक्रो रेमेडिएशन। फंजाई क्यों यूज करते हैं, देखो फंजाई में बड़ी खास कैपेसिटी होती है, वो एक हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट यानी अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट में ग्रो कर सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके की मिट्टी में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, इवन जो एक्सट्रीम कंडीशन अगर भी है ना, इन्वायरमेंटल कंडीशन, वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं। सो फंजाई आर वेल नोन फॉर देयर एबिलिटी टू कोलोनाइज अ वाइड रेंज ऑफ हेट्रोजीनियस इन्वायरमेंट्स। ऐसा नहीं है कि फंजाई सिर्फ एक ऐसा ही, मान लो ये टाइप ऑफ इन्वायरमेंट है, सिर्फ यहीं ग्रो कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट में ग्रो करने की कैपेसिटीज होती है, और अलग अलग तरीके की मिट्टी में भी ये ग्रो कर सकते हैं, और कंडीशन अगर एक्सट्रीम है तो वहाँ भी ग्रो कर सकते हैं। ओके, सो दिस इस वजह से हम यूज़ करते हैं माइक्रो रेमेडिएशन का, बोले तो कवकों का, फंजाई का, एज ए बायो रेमेडिएशन, ठीक है। अब माइक्रो फिल्ट्रेशन क्या होता है वो समझ लो। यहाँ पर आपको हरा हरा कुछ नज़र आ रहा है, तो जब होता क्या है, जब भी कोई कवक उगते हैं तो नीचे देखो एकदम एक जाल जैसा बिछ जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, दिस टाइप ऑफ माइक्रो रेमेडिएशन इन्वॉल्व फंजाई टू फिल्टर एंड एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल। फाइटो रेमेडिएशन में क्या हो रहा है कि जो एंजाइम स्रावित कर रहे होते हैं ना, एंजाइम सिक्रीट कर रहे होते हैं कवक, वो एंजाइम क्या करते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, पॉल्यूटेंट होते हैं, उनको सिंपल कंपाउंड में ब्रेक कर देते हैं। जबकि माइक्रो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल देखो, जब फंजाई कहीं भी ग्रो करते हैं ना, किसी भी एक, मान लो किसी लकड़ी का एक पेड़ कटा हुआ पड़ा हुआ है, वहां पर जब ग्रो करेंगे तो वहां पर एक पतली सी एक लेयर, ठीक है ना, एक नजर आएगी सफेद सफेद या किसी और कलर की, ठीक है ना। फंजाई ग्रो ऑन ए सब्सट्रेट सच एज वुड एंड चिप्स, ठीक है ना। डियर माइसीलियम, ये जो आपको नजर आ रहा है ना हरा हरा, ये क्या करेंगे, एक्ट एज ए फिल्टर, ठीक है ना, और इस मिट्टी में जो भी कंटेमिनेंट्स होंगे उन सबको एब्जॉर्ब करके अपने में ये स्टोर कर लेंगे। इसको बोलते हैं माइक्रो फिल्ट्रेशन, ठीक है ना। यानी ये जब ये माइसीलियम, जब भी आप कहीं कवक में देखना, जाके कहीं भी कवक जब उगे हों तो उससे जड़ों के नीचे एकदम देखना, जाके आसपास कुछ ना कुछ होगा,
जहाँ पर उनको आप जड़ें बोल सकते हो, ठीक है ना, जो आसपास फैली होती हैं, वो क्या करती हैं, एज ए फिल्टर सिस्टम काम करती हैं और वहाँ के प्रदूषकों को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है ना, इस हरा हरा जो नज़र आ रहा है इसमें ट्रैप कर लेंगी, तो उसी को बोलते हैं माइक्रो फिल्ट्रेशन। तो माइक्रो रेमेडिएशन समझ में आया, उसमें क्या था, इन्वायरमेंट को सॉरी एंजाइम्स को सेक्रीट करके उसको सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक कर रहे थे, और माइक्रो फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, खुद ही पूरे के पूरे जो प्रदूषक हैं, ठीक है ना, पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज माइक्रो फिल्ट्रेशन। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जल्दी आएंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।